तो इंजीनियरिंग रिव्यू। मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पे इंजीनियर सलीमुल्ला साहब हैं। इंजीनियर सलीमुल्ला सही साहब लाहौर बेस्ड कंपनी है, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज उनके सरबरा हैं। करीम साहब का एक और तारुफ भी है, वो ये है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो गवर्निंग बॉडी है उसके ये रुकन भी हैं, और साथ साथ जो एक्टिव मेंबर्स हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन के सिलसिले में, सलीम साहब का उन लीडर्स में शुमार होता है। और सलीम साहब के साथ गुफ्तगू करने के सिलसिले में मेरा एक और भी इंटरेस्ट है, वो ये है कि पाकिस्तान में पानी हमारी नहरों का, दरियाओं का हो, समंदर का हो या बारिश का हो, उस पे बड़ी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान में और वो गुफ्तगू जारी है। और आज सलीमुल्लाह साहब का ये एक्सपर्टीज वाला जो एरिया है उस पे भी बात होगी और बहुत सारी चीजें हैं जो समझने की कोशिश करेंगे। सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। यू आर वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि हम इस टॉपिक पे बात कर सके जर्नली, जो कि हमारी पब्लिक का भी और ग्लोबल इंटरेस्ट का है ये टॉपिक। अच्छा सलीम साहब, बहुत सारे मैं स्टेजेस सलीम साहब जी पीसी की इलेक्शंस की तरफ आते हैं। सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में मैं काफी एक्टिविटी देख रहा हूँ। इंजीनियर्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, सफेद दुरुस्त की जा रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें हो रही हैं। पंजाब की क्या सूरताल है? आर यू पीपल देयर एक्टिव एंड डूइंग द सेम हैपनिंग इन अदर प्रोविंसेस और व्हाट? देखिए सर, मैं इसको थोड़ा सा आपको 2015 में लेके जाऊंगा। जब 2000 ये 3 इयर्स टर्म होती है इलेक्शंस की, और 3 ईयर टर्म्स में 2015 में जब हमारे पैनल खड़ा हुआ, इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब चेयरमैन थे और कैंडिडेट थे उस वक्त, तो हमारे जो वोट पड़ा वो हमें तकरीबन 17,000 के करीब चेयरमैन को वोट पड़ा, और पूरे पाकिस्तान से। और जब हम चेयरमैन साहब एक बहुत ही विजनरी पर्सन है और उन्होंने एक नई डायनेमिक्स दी है इंजीनियरिंग फील्ड को, और हम आईटी का ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम वाशिंगटन एकॉर्ड का सिग्नेचर किया है इंजीनियर्स के लिए, रीजनल हम इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं जिनके ऑफिसेस बना रहे हैं। जब 2018 में ये इलेक्शन दोबारा हुआ तो हमारा वोट बैंक डबल था, यानी कि जो 17,000 वोट हमें पड़े 2015 में, और जो 2018 में हमें अराउंड 40,000 के करीब वोट पड़े, डबल से भी ज्यादा। दैट देखिए, इंजीनियर जो एक पढ़ा लिखा तबका है और वो ये चीज को समझता है कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा। तो अब जो ठीक है, हमारे साथ उस वक्त भी कंपटीशन में लोग थे, उनको भी काफी उनके लिए शॉकिंग था ये, देर इज वो कहते हैं ना जी लैंडस्लाइड विक्ट्री, और वो आप 70% प्लस सीट्स लेके जा रहे हैं, और वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे लेके जा रहे हैं। और हमारी जो लास्ट ईयर कंपेन थी दैट वाज नॉट मोर देन ऑफ 2 वीक्स, क्योंकि हमें पता था कि हमने काम किया और अपने फील्ड में, और जब आप काम करते हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि जी के ठीक है, मैंने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने हिम्मत भी दी है, बरकत भी डाली है। अलाइनमेंट अलाइनमेंट कैसे होगी सलीम साहब? अब जाहिर है कि कुरैशी साहब के 2 टेनियर्स जो है वो पूरे हो गए, ही कैन जी सर, नॉट बी कंटेस्टेड फॉर द थर्ड टेनियर। जी बहुत जी सारे लोगों के नाम सुन रहे होते हैं, उनमें कहीं कहीं आपका नाम भी सुनने को मिलता है, तो आज बता दें कि यू आर वन ऑफ द कैंडिडेट्स और व्हाट? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है ना। देखिए, ये पार्टी का डिसीजन होता है, और हमारे जो चेयरमैन है और प्रेसिडेंट ऑफ द इंजीनियर्स पाकिस्तान है, मैं जनरल सेक्रेटरी जरूर हूँ, मेरी राय भी जरूर ली जाती है, और तमाम अपने कोर कमेटी के भी मेंबर्स की राय ली जाती है, लेकिन ये डिसीजन तो पार्टी का होता है। और मैं ये भी साथ साथ, मेरा अपना व्यू पॉइंट है कि एक ही पार्टी को फॉर एवर रूल नहीं करना चाहिए, कोई और भी चेंज ऑफ फेस भी होने चाहिए और अलायंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे यही है कि हम टीपी अपने ही कैंडिडेट लाएगी सारे,
और जो दोस्त हमारे हैं, देखिए हमने अगर ये लास्ट टेन्योर देखें, जिस तरह आपने जायद आरिफ साहब की बात की अभी, दे वर फ्रॉम द अपोनेंट ग्रुप जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट हुए थे, लेकिन हम जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो फिर हम सबके लिए इक्वल तरीके से चलते हैं। वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद इवन आवर अपोनेंट्स। अपोनेंट ये है कि वो आप इलेक्शन तक अपोनेंट हैं कि आप डिफरेंट ग्रुप्स में ही आप कर रहे हैं, लेकिन वी आर पाकिस्तानीज, वी आर इंजीनियर, वी हैव टू वर्क फॉर दिस नेशन, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। कि अगर हम इन चीजों को लेके चलेंगे कि ये अपोनेंट ना, मैं इस चीज को अपोनेंट का वर्ड अपने फील्ड में यूज नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जी कोई एक इलेक्शन एक भाई भी लड़ रहा है, दूसरा भी लड़ रहा है, तीसरा भी लड़ रहा है, तो हम वी शुड बी, एक बड़ा कैंडिडेट एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें हमारा विजन एक होना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव एक होने चाहिए। वरना वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है कि नून लीग आएगी तो कुछ और पॉलिसीज होंगी, पीपल्स पार्टी आएगी तो कुछ और पॉलिसीज होंगी, कोई अपना कार्ड निकाल देगा, कोई अपना कार्ड निकाल देगा। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी ग्रुप आए, हम मिलके इकट्ठे इस नेशन को सर्व करें और इस फील्ड को सर्व करें और अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाएं। तो हमारे लिए सब चैलेंज है जो ये मैं करना बात चाहूंगा। भी सुनने में आ रही थी कि जी सिंध के कुछ ग्रुप्स के साथ जो है वो काफी गुफ्तगू हुई है, बात हुई है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो बड़े ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो किसी कंसेंसस पे पहुंचे। इज इट ट्रू आपकी कादिर शाह वाले ग्रुप के साथ मुलाकातें सिटिंग्स हुई है, जरा बताएं, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स को पता तो चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। सर हमारी ओपन डोर पॉलिसी है और हमारी सबके साथ बात हो रही है, चेयरमैन साहब के सबके साथ बात हो रही है। आप ये सुन के शायद आपको हैरानगी होगी कि गवर्निंग बॉडी जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की है, उसमें 99% डिसीजन जितनी भी कमेटीज हैं और गवर्निंग बॉडी के जो है कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें डिफरेंट पार्टी से भी लोग हैं, और आज तक जो हमारे ऑलमोस्ट 2 ईयर से ज्यादा हो गए और 5-6 मीटिंग्स भी हुई और कमेटीज भी काम कर रही हैं, सारे डिसीजन हमारे यूनैनिमस हुए। कोई That's ऐसा right. डिसीजन नहीं हुआ कि जिसमें कोई ये लोग कहें कि यस वी चेयरमैन साहब की पॉलिसी है वो डिबेट करते हैं, जरूरी नहीं हम अपने व्यू पॉइंट को माने। सम टाइम हमारा जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, उनके डिफरेंट ब्रेन जब इकट्ठे बैठते हैं, डिफरेंट आइडियाज आते हैं, तो उसमें हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना होता है। और हमारी अभी भी हम सबके साथ ओपन है और सबके साथ डिस्कशन हो रही है, लेकिन जो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम एक पंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाह रहे हैं। देखिए अगर आप आज अलायंस करते हैं किसी एक के साथ तो वो ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है इंजीनियर्स में, तो हम वो इंजीनियर्स की ग्रुपिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, पोलराइजेशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जब इलेक्शन अनाउंस होंगे उसके 1 माह पहले हम जिसके साथ भी अगर कोई बैठना होगा, जरूरत पड़ी तो जरूर बैठेंगे और उसको कंक्लूड करेंगे। क्यों कि अभी जब मैं आपसे ये अगर एक बात करूं स्ट्रेट अवे, अगर किसी भी ग्रुप के साथ हम आज डिक्लेयर कर देते हैं जी ये हमारा अलायंस हो गया, तो इट मीन्स कि बाकी 2-3 ग्रुप को हमने अपने अगेंस्ट कर लिया इमिजिएटली और दे विल बी स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट अस। इसका मतलब है कि हमें इस टाइप की जो भी खबर लिखनी पड़ेगी या कहनी पड़ेगी, जराए 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 के हवाले से कहनी पड़ेगी। यस सर, बातें सबसे होंगी, बातें सबसे होंगी, तमाम भाई हैं हमारे, हमने कि सबको साथ लेके चलना है और ऐसी कोई इशू नहीं है। हमारे लिए इस इंजीनियरिंग प्रोफेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, हमने इस प्रोफेशन आगे लेके चलना है। हम उसके लिए ये नहीं कहते कि हम ही सबसे बहुत बड़े ब्रेन है और हमारे अलावा कोई इस मुल्क को या इस प्रोफेशन को चला नहीं सकता, हमने मिलके चलना है सबने, और मिलके चलेंगे तो वही हमारी स्ट्रेंथ होगी। और इसमें जो इंशाल्लाह सर, सबसे बड़ा हमारा इंशाल्लाह चैलेंज बिल्कुल है वो है यंग इंजीनियर्स के लिए जॉब्स, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो, और वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एज रेगुलेटर, चाहे कोई भी पार्टी उसको रोल कर रही हो, उसके लिए ये उसका मैंडेट ही नहीं है बेसिकली कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, क्योंकि रेगुलेटर का काम तो प्रोफेशन को रेगुलेट करना है।
उसका काम एम्प्लॉयमेंट तो है, वो डायरेक्टली जो है इकोनॉमी ग्रोथ, नेशनल ग्रोथ के साथ लिंक है। अब तक वो चीजें आगे डेवलप नहीं होंगी, उस वक्त तक इंजीनियर्स की अनएम्प्लॉयमेंट शायद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। या दूसरा तरीका ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि हम इंजीनियर्स के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज जो हैं एक्सप्लोर कर सकें, और ताकि वो पाकिस्तान से बाहर जाके भी जॉब, जिस तरह हमारे डॉक्टर्स हैं उनको पाकिस्तान से बाहर जाके भी जॉब मिल जाती है। जो लास्ट ईयर हमारी सक्सेस हुई, वाशिंगटन अकॉर्ड हमने साइन किया, और वो अराउंड 20-21 कंट्रीज हैं जहां पे हमारी क्वालिफिकेशन एट पार कंसीडर होगी, और इंजीनियर जो उन कंट्रीज में जाएंगे जो कि अपने हम अपना एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको वहां पे जाके क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो हम उस किस्म की वर्किंग, पाकिस्तान रेगुलेटर उस किस्म की वर्किंग तो कर सकते हैं, लेकिन टू क्रिएट द जॉब्स फ्रेंकली स्पीकिंग वी कैन ओनली बेग फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर आवर जनरेशन टू कम। उसके लिए बहरहाल बहुत सारे प्रोसेसेस की जरूरत है। आई होप आप नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम स्पेसिफिक इलेक्शन और जॉब्स की क्रिएशन किस तरह हो इस पे बात करेंगे। सलीम साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला।